नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आज आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं एमआईएम और ओवैसी, इन दोनों का देश में जहर फैलाना जारी है, धर्म को गाली देना जारी है, भगवानों की निंदा जारी है, चुनाव प्रचार में धर्म के आधार पर वोट मांगना जारी है और दूसरे धर्म को गाली देना भी जारी है। लगातार एमआईएम और उसके नेता ओवैसी की हरकतें, सुदर्शन तीन दिन से आपके सामने बिंदास बोल में उठा रहा था। आज हमने तय किया कि आज आपके सामने हम पत्रकारों के साथ आएंगे कि पत्रकार क्या सोचते हैं, क्यों मीडिया इसके खिलाफ बोलता नहीं है, क्या कारण है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। कल हम आपके साथ वकीलों को लेकर आएंगे, परसों कवियों को लेकर आएंगे। लगातार इस कार्यक्रम को हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे जब तक ओवैसी पर कार्रवाई नहीं होती। हमने आज दिन भर कैंपेन भी चलाया और चैनल पर इसके भाषणों के साथ साथ चुनाव आयोग के नंबर भी चलाए, कंट्रोल रूम का नंबर चलाया और चुनाव आयुक्त का ईमेल आईडी भी चलाया। उसका प्रभाव भी हुआ और लोगों तक मैसेज भी पहुंचा है, लेकिन अकेला सुदर्शन ये सब कुछ कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे अन्य भाई भी इस विषय में कुछ करें। तो हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़े रहेंगे पूरे घंटे भर मनोहर मनोज जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। मनोज जी, आपका स्वागत करता हूं। मनोज जी के साथ साथ हमारे साथ दीपक कुमार जी जुड़े रहेंगे जो उदय इंडिया के संपादक हैं। साथ साथ हमारे साथ अरविंद ठाकुर जी जुड़े रहेंगे सुदर्शन पर, इनको आप पहले भी देख चुके हैं। और भी एक पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे हैदराबाद के प्रतिनिधि जो है उनको भी हम लेंगे, बड़ी रोचक बात आपको बताएंगे, उनके मुंह से ही सुनते हैं। लेकिन पहले जरा मुद्दे को डिटेल में देखते हैं। एमआईएम नेता अकबर ओवैसी अपने उल्टे सीधे भड़काऊ भाषणों के चलते सुर्खियों में बना ही रहता है। कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा छेड़ मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर वोट बैंक की राजनीति करता है, तो कभी हिंदू देवी देवताओं पर जहरीले बोल बोलता है। ये लोगों के खुदाया हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई, हर आठ दिन में एक नया पैदा हो जाता है। ये सुने बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है, ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ओवैसी ने भगवान श्री राम की माता को लेकर भी जहरीले बोल और बेतुकी बयानबाजियां की। तीन पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहाँ यहाँ यहाँ, अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की माँ कहाँ गई, किधर जन्म दी। हैदराबाद से विधायक अकबर ओवैसी ने हिंदुस्तान के लोगों को चेतावनी दी है कि उसके कारण ही मुसलमानों का गुस्सा रुका हुआ है, कल अगर वो नहीं रहेगा तो इस देश के मुसलमान इस देश को तबाह और बर्बाद कर देंगे। उसने हिंदुस्तानियों को चेतावनी दी कि अगर उसके हाथ में माइक की जगह हथियार आ गए तो वो हिंदुओं का इतना बड़ा नरसंहार करेगा जितना बड़ा हिंदुओं का नरसंहार इस देश ने अपने पिछले 1000 सालों के मुस्लिम शासन के इतिहास में भी नहीं देखा होगा। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हाथ है। अपने भड़काऊ भाषण के चलते अकबर ओवैसी को हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन बीमारी का हवाला देते हुए वो हिरासत से बाहर आ गया और आने के बाद फिर अपनी गंदी राजनीति से देश को गंदा करने में जुट गया। न सिर्फ अकबर ओवैसी बल्कि उसका बड़ा भाई असादुद्दीन ओवैसी भी जगह जगह रैलियां कर भड़काऊ भाषण देता रहा है, साथ ही अपने पद का गलत इस्तेमाल करने में भी ये आगे है। आपको बता दें, बहादुर यार जंग जिसने इस पार्टी को बनाया था भारत द्रोही था, साथ ही वो हैदराबाद को भारत में मिलाने का कड़ा विरोधी था। अपने अलग विचारों के चलते संगठन का अलग संविधान, झंडा और काम करने के तरीके बनाकर उसने उस समय के मुस्लिम लीग से संबंध स्थापित किया था। इतना ही नहीं, हैदराबाद को भारत से तोड़ने के लिए हैदराबाद की जनता को धमकाने और अपने दबाव में रखने में भी वो आगे था। 1974 में उसके कार्य को पूरा करने के लिए
मसुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने इस पार्टी की कमान संभाली। मसुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने इत्तेहाद उल मुसलमीन के काम करने के पुराने तरीकों को फिर से जिंदा किया। आगे चलकर सलाउद्दीन ओवैसी ने अपने दल का उत्तरदायित्व अपने दोनों बेटों बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को सौंप दी। आज इन दोनों भाइयों का हैदराबाद में बहुत दबदबा है, यहाँ पर इनकी सत्ता चलती है। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो कुल 24 सीटों पर MIM ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में इस पार्टी के दो विधायकों ने अपनी जीत भी दर्ज कराई। अब इसे दहशत नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि यहाँ की जनता इन दोनों भाइयों का विरोध नहीं करती, चाहे ये कितने ही भड़काऊ भाषण क्यों न दें। विवाद को पैदा करने में तो इन दोनों भाइयों ने महारत हासिल की हुई है। बड़ा भाई असादुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद है तो छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक। दोनों की शिक्षा तो उच्च स्तर की है, लेकिन स्थानीय स्तर की गंदी राजनीति करने में ये पीछे नहीं है। किसी न किसी बहाने दोनों हैदराबाद की जनता को भड़काते तो रहते हैं और अपने भाषणों में हिंदू और हिंदुओं के भगवान पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी को तो मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में भी देखा जाता है, जो हिंदू मुसलमानों के मन में एक दूसरे के लिए घृणा फैलाने और देश को बांटने वाले अनेक सार्वजनिक भाषण करता रहता था, जिसके चलते देश का विभाजन भी हो गया था। आज ये दोनों ओवैसी भाई भी भारत को बांटने पर तुले हुए हैं। सुदर्शन न्यूज लगातार इसके गंदे इरादों की सच्चाई सबके सामने लाने में जुटा रहा है। इतना ही नहीं, अपने सुप्रसिद्ध कार्यक्रम बिंदास बोल में भी ओवैसी के खिलाफ आवाज बुलंद करके इसके चेहरे की सच्चाई सामने लाया। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी के MIM पार्टी की मान्यता क्यों न रद्द की जाए? जिस प्रकार से उसका नंगा नाच चल रहा है, उसको देखते हुए उसका पार्टी की मान्यता रद्द होना जरूरी है, और कानून भी यही कहता है कि उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। जिसके चलते इसकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 26 अक्टूबर को होने वाली रैली पर भी रोक लगा दी गई थी। सरदार पटेल ने अपनी शर्तों पर निजाम से संधि करवाई। कासिम रिजवी को ऑपरेशन पोलो के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, जहां वो 1957 तक सड़ता रहा। बाद में 1957 में वो माफी मांगकर पाकिस्तान में शरणार्थी बनकर चला गया। 1947 से 1957 तक मजलिस पर प्रतिबंध रहा। इसी कासिम रिजवी की मजलिस पार्टी को 1957 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दोबारा से शुरू किया, और वही अब्दुल वाहिद ओवैसी अकबरुद्दीन और असादुद्दीन का दादा था। क्या एक बार फिर से MIM पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये पूरी जानकारी, और इसके साथ हम चलते हैं हैदराबाद में। आकाश हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, मैं जरा जो बात आपने मुझे शो चालू होने के पहले बताई वो जरा लाइव में सारे दर्शकों को और हमारे साथ जो मीडिया के पैनलिस्ट बैठे हैं इनको भी बताइए। हमने आपको कहा था कि हैदराबाद से किसी भी मीडिया का कोई भी पत्रकार इस कार्यक्रम में लाइव में लीजिए, क्या आपको प्रतिक्रिया मिली? जी सर, हमने हैदराबाद के पत्रकार मित्रों से भी बात की थी, मैंने मेरे मित्रों से भी बात की थी जो मेरे साथ फील्ड पे घूमते, कि क्या आप इस मुद्दे पर आज हमारे शो में आकर के बोल सकते हैं। तो किसी ने भी, सबने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग नहीं आ सकते, क्योंकि MIM पार्टी का कॉफ इतना यहाँ हैदराबाद में ज्यादा बढ़ गया है कि कोई भी कैमरे के सामने आकर उनके खिलाफ बोलना नहीं चाह रहा है। सर, क्या किसी भी अखबार का कोई नहीं मिला? जी सर, हमने अखबार के पत्रकारों से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकारों से, रेडियो जॉकी से सबसे बात की मैंने आज, लेकिन कोई भी खुलकर सामने आकर के कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहता है सर। चलिए आकाश, धन्यवाद। अब मैं अपने साथ जो पैनलिस्ट है उनके पास चलूंगा। मनोहर मनोज जी के पास पहले चलते हैं। मनोज जी, आपने पूरा उसका नंगा नाच का खेल भी देखा और आकाश ने क्या कहा, क्या कहेंगे? बिल्कुल एक वेल प्लान्ड तरीके से, और ये 1947 के पहले का जो एक जो मुस्लिम सांप्रदायिकता का जो अतिवाद था, आज एक तरह से उसका एक फिर से टेलर देखने को एक तरह से ये मिला, जो ओवैसी बंधुओं ने जो है अपने अपने तकरीरों से जिस तरीके से कटुता, जिस तरीके से उन्माद और कंप्लीट मुस्लिम पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का एक ऐसा जेस्चर लिया है जो एक तरह से देश में सांप्रदायिकतावाद, देश में सेकुलरवाद और देश का जो मजहबी आधार पर विभाजन हुआ,
उस पर एक बार फिर से नए सिरे से व्यापक बहस की एक तरह से शुरुआत करता है। साथ ही ओवैसी का जो वो पुराना बयान था कि हम 25 करोड़ मुसलमान पुलिस हट जाए तो हम 100 करोड़ का कत्लेआम कर देंगे, ये बहुत ही गंभीर और बड़े ही खतरनाक मायने हैं। और आज जिस तरीके से जो कि पब्लिक डोमेन में जो एक सेकुलर जो घोषित देश है भारत, यहाँ पर किसी भी दल के किसी भी कैंडिडेट को किसी भी धार्मिक उपमान को लेकर के बोलने की इजाजत नहीं है, कम से कम थ्योरेटिकल तरीके से। आज उसने घोषित तरीके से जिस तरीके से प्लैंड तरीके से हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं का नाम लेकर के और अपने समर्थक मुस्लिमों को जिस तरीके से खुश किया, जिस तरीके से सभा में बैठी हजारों की भीड़ ने एक तरह से उसको एक तरह से ओवेशन दिया, जिस तरीके से क्लैपिंग, हजारों की नहीं लाखों की भीड़, लाखों की भीड़ ने जिस तरीके से क्लैपिंग दी, तो इससे स्थिति बड़ी खतरनाक है। तात्कालिक तौर पे हमें यही लगता है कि वहां की राज्य सरकार या भारत सरकार का केंद्रीय गृह मंत्रालय फिर से उसे बिना कुछ सोचे रासुका के तहत तुरंत गिरफ्तार करे, बल्कि जो असली जो रिंग मास्टर जो उसका बड़ा भाई है, मैं समझता था कि वो अच्छा एजुकेटेड लंदन का पढ़ा हुआ आदमी है और एक बड़ी सोच है, लेकिन कुछ एक टेलीविजन चैनल के एक पॉपुलर शो में जब मैंने उन्हें सुना तो मैंने उन्हें देखा कि जिस तरीके से मुस्लिम परस्ती और बिल्कुल पिक करके एक एंगल से एक लॉजिक के साथ किसी चीज को डिफेंड करना, जबकि मैं मानता हूं कि हमारे हिंदू आधार पर भी राजनीति करने वाले कई सारी अतिवादी बातें करते हैं, कई लॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन इन दोनों के निचोड़ का एक असर ये आता है कि भारत एक सेकुलर देश है और इस सेकुलर देश में किसी भी धार्मिक उपमान का सहारा लेकर के किसी भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के किसी भी इडियम को आप लेकर के अगर कोई भी पब्लिक डोमेन में आप बात करते हैं, राजनीति करते हैं, तो वो सरेआम जो है अपराध है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी आइडियोलॉजी रिलीजन एंड स्टेट, और इस आधार पर हर मजहब के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है भारत में। और इससे बड़ा हमने तो किसी भी मजहब के तरफ से इस तरीके का भड़काऊं, इस तरीके का उकसाऊं और इस तरीके का जहर और आतंक और खतरनाक स्टेटमेंट मैंने अभी तक नहीं सुना है। बिल्कुल अवनींद्र जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने दो प्रश्न किए कि मीडिया इस पर क्यों चुप है, सिर्फ सुदर्शन चैनल ही इस आवाज को उठा रही है। बड़ा ये एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। हमारे पत्रकार मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि ये आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस तरह की जो बेवकूफ़ी भरी बातें की जा रही हैं। देखिए, इस देश में कट्टरवाद का अब कोई जगह नहीं है, नंबर एक। चाहे वो इस तरह का मुस्लिम की ओर से होता हो या हिंदू की ओर से होता हो या किसी संप्रदाय विशेष की ओर से होता हो, ये अब मान करके चलना चाहिए कि यहाँ पर अतिवादी और कट्टरवादी लोगों का अब यहाँ कोई गुजारा नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से अगर हम देखें तो इतनी भयानक बातें, जो बात इसने कही है किसी ने भी नहीं कही है, ये बात तो आप मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पर, मैं आपके ही मुद्दे पर मैं आ रहा हूं। मैं मीडिया की भूमिका पर मैं सबसे पहले आ रहा हूं। अभी आपके जो हैदराबाद से रिपोर्टर थे वो ये कह रहे थे कि कोई भी प्रिंट मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रतिनिधि जो है वो खुलकर वहां बोलने को तैयार नहीं है। ये बहुत दुखद है, ये मीडिया जगत के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि अगर हम गलत को गलत कहना नहीं चाहते वो एक अलग बात है, लेकिन हिम्मत नहीं रखते ये बहुत शर्मनाक बात है। बिल्कुल, ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस तरह का जो मुद्दा उठाया है। देश में चाहे किसी भी तरह के लोग रहते हों, किसी भी संप्रदाय के लोग रहते हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, किसी को भी देश के एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत कदापि नहीं दी जा सकती है, नंबर एक। नंबर दो, मैं फिर मीडिया की भूमिका पर आता हूं। मैं बहुत हैरान हूं और इस बात से परेशान हूं कि इतने बड़े मुद्दे को बाकी के चैनल में जो लोग बैठे हैं वो क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं, उनके समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि यह देश के एकता और अखंडता से जुड़ा मुद्दा है। जैसा हमारे पत्रकार मित्र ने कहा, यह हमारे देश के अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस पर भी अगर हम लोग चुपचाप हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर तो मीडिया में रहना बेकार है, फिर कोई और काम करें हम लोग तो। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मीडिया तो ठीक है इस पर करे चर्चा, सरकार क्या कर रही है? इतना बड़ा देश में जहर फैलाने वाला सरकार ने क्या स्टेटमेंट दिया? मित्र, मैं बहुत सम्मान पूर्वक आपको यहाँ रोकता हूँ। देखिए, जहाँ तक सरकार का प्रश्न है ना, तो इस बात का इतिहास गवाह है कि हर मौके पर, हर बड़े मौके पर मीडिया ने सरकार को जगाने का काम किया है। बिल्कुल, जगाइए उसको,
मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार सो रही है, मैं बिल्कुल ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक बार सरकार को झकझोरने की जरूरत तो है, इस बात को तो मानिए आप। अगर यह किसी और पार्टी की सरकार आज केंद्र में होती तब इस तरह की कोई बातें होती तो आप कह सकते थे कि साहब ये तुष्टीकरण की नीति और के कारण लोग चुप हैं। आज किसके कारण लोग चुप हैं इसको तो, इस पर तो आप बोलिए, आज किसके कारण लोग चुपचाप बैठे हैं? बिल्कुल उनके हाथ में पूरा पावर है, पूरा अधिकार है, मेरी संपत्ति कार्रवाई कर सकते हैं। भाषणों में कही थी वही बातों को करीब करीब उसने महाराष्ट्र के चुनाव में दोहराया है और कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था इलेक्शन का, इसके बाद दोहराया है उसने उन बातों के आधार पर, वहां पर दो सीटों को जीत कर लाया है। कई जगह पर उसने अपने उम्मीदवारों को दो दो तीन तीन नंबर तक पहुंचाया है, अच्छे खासे प्रतिशत में इसने वहां पर वोट लिए हैं, राज ठाकरे के पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार जीतवाए हैं। ऐसे में इसका आग फैलाना केंद्र के नजर में भी क्यों नहीं आता है, ये भी सवाल बनता है। लेकिन मीडिया पर हम जोर देकर पूछ रहे कि आखिर मीडिया वाले अब कहां है। मैं दीपक जी के पास चलूंगा। दीपक जी, आप भी मैगजीन चलाते हैं, पत्रकारिता इतने सालों से कर रहे हैं, करीब करीब ऐसा होता है कि कोई एक चैनल किसी मुद्दे को उठाए तो बाकी चैनल उस ट्रैक पर आ जाते हैं और उस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन आज चौथा दिन है हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अभी भी किसी भी चैनल ने इसका स्क्रॉल तक नहीं लगाया। मेन प्रोग्राम करना तो दूर की बात है। सुरेश जी, मैं सर्वप्रथम सुदर्शन चैनल को साधुवाद दूंगा, कम से कम एक इम्पोर्टेंट मुद्दा को आपने डिस्कशन किया, वो भी नेशनल लेवल पे डिस्कशन किया। और सही मायने में जिस आदमी को, जो आदमी अपने आप को इतना बड़ा हीरो समझ रहा है, वो असलियत में वो कोई हीरो नहीं है, वो सबसे बड़ा जीरो है। इस देश की संस्कृति, इस देश की शास्त्र, इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश की जो इतिहास, अगर इसको हम सब पढ़े तो इस देश इस तत्व को विश्वास नहीं करता है जिस तत्व को लेके ये आदमी आज आगे बढ़ रहा है। दूसरा, भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व को एक परिवार के रूप में मानता है। ये एक ऐसा देश है जहां पर केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, हर तरह की विचार इस देश में रहता है। विविधता इस देश का एक मूल मंत्र है। सबको साथ लेकर चलना, सबको सम्मान देना और सबके साथ रहना और सोसाइटी में एक सोशल हार्मनी पैदा करके इस देश पता नहीं हजार सालों से रहा है। और इस देश इतना ही नहीं, विश्व का गुरु बनेगा आगे जाके, केवल इसी बात को लेके। इसीलिए मैं नहीं समझता हूं कि ये छोटा सा व्यक्ति इतना बड़ा देश को कोई इंपैक्ट फैला सकता है, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। दूसरा बात, आज आपने कहा मीडिया क्यों चुप है? मानते हैं आप इंपैक्ट किसको मानते हैं? क्या आपके खिलाफ कोई गाली दे और आप कहे कि इस गाली से मेरा क्या नुकसान हो गया, क्या इंपैक्ट हो गया, ऐसा आप कह सकते हैं? नहीं, हमारा देश में हर नियम को कैसे हैंडल किया जाएगा इसके लिए हमारा शासन तंत्र है। हमारा उस शासन ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। पहली बार थोड़ी उस शासन ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। इसने जब ये भाषण किया, पिछले बार हमने 10 दिन कार्यक्रम चलाया, इसको लंदन से यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया, अरेस्ट किया, उसके बाद इसको केवल 10,000 रुपए की जमानत पे छोड़ा गया। आरोप क्या है? देशद्रोह, देश के खिलाफ युद्ध भड़काना और देश के अंदर दो समुदायों के बीच युद्ध जैसी स्थिति निर्माण करना, यह धारा इसके ऊपर लगाई गई। उसके बावजूद 10,000 रुपए के ऊपर इसको केवल जमानत दी गई। और विशेष बात बताता हूं, जमानत का आधार था, कोई बीमारी नहीं थी जो कि डॉक्टर के द्वारा या मेडिकल चेकअप के द्वारा बताई जा सकती है, ऐसी बीमारी नहीं थी। इसकी बीमारी भी ऐसी थी कि जो भारत के इतिहास में शायद कभी किसी को ऐसी बेल ना मिली हो। इसके लोगों ने, इसके वकील ने और इसने कोर्ट में ये कहा कि कोई भूत आता है और ओवैसी को उस जेल के अंदर डराता है, उससे इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है और उस भूत के सानिध्य में अगर ज्यादा समय तक जेल के अंदर रहा तो मर सकता है और उसके मरने के कारण उसकी जवाबदेही सरकार की रहेगी। पता नहीं कैसा जज था, जज पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मेरे देश के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को इतने आसानी से जमानत देने का काम अगर कोई जज करता है तो उसके इरादे, उसकी काबिलियत और उसके नियत पर शक होता है। उसने केवल 10,000 रुपए पे उसको जमानत दे दी, भूत के कारण जमानत दे दी और एक शैतान को समाज के अंदर देश के खिलाफ नंगा नाश करने के लिए छोड़ दिया। ये सरकार कर रही है। मेरे साथ राकेश कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े। राकेश कपूर जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, आप उससे मैं भाषण देने नहीं आया हूं कुमार जी, मैं सिर्फ एक बात जो आप मुद्दा उठा रहे हैं वो पहले भी जो आपने पूरा बता दिया कि इतिहास के किस प्रकार से जमानत मिली ओबीसी के छोटे भाई को,
और उस समय ये काफ़ी चर्चा में बात आई थी, लेकिन आज की जो महाराष्ट्र के चुनाव में इन्होंने जो काम किया है वो निश्चित रूप से देशद्रोह का मामला बनता है। और दोबारा से देशद्रोह का इनके खिलाफ चार्ज लगाया जाए और इन्हें अनुरूप जो भी हमारे भारतीय संविधान या भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो भी दफाएं बनती हैं वो लगा करके इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और ये काम राज्य सरकार का बनता है, जिस राज्य में ये घटना घटी है उसकी सरकार जवाब सरकार की जवाबदेही है, चूंकि कानून व्यवस्था का मामला बनता है, इसलिए ये काम जो है वो राज्य सरकार को करना होगा। बिल्कुल राज्य सरकार का, लेकिन हम इसके साथ उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिस पेशे से आप जुड़े, हम कह रहे हैं कि मीडिया भी इसको नहीं उठा रहा है। अब मीडिया के साथ इतने सालों से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रश्न ये है कि यहाँ पे इस देश में हम जो धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा करते चल रहे हैं शुरू से, जब से देश आजाद हुआ है तब से हमने ये मान लिया है कि ये भारतवर्ष जो है वो तभी धर्मनिरपेक्ष रह पाएगा जब ये तुष्टिकरण की नीति पर चलेगा। और वो तुष्टिकरण किसका होगा? एक विशेष संप्रदाय का। सबसे बड़ा सवाल ये है, आज जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, कि क्या पाकिस्तान जायज मुल्क है? कश्मीर को लेकर के जो विवाद पाकिस्तान खड़ा करने की कोशिश कर रहा है उससे ये सवाल अपने आप पैदा हो रहा है, क्या पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर पर अपना हक जताने की कोशिश करता है क्या वो जायज मुल्क है? सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है। और ये लोग हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से, आपको अब मैं ज्यादा पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस पाकिस्तान का निर्माण कराया उसमें उसने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मुसलमान एक अलग प्रजाति है, एक अलग नस्ल है, इसलिए इनको अलग देश चाहिए, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि इस देश में रहने वाले मूल लोग, उनका धर्म परिवर्तन किया गया ऐतिहासिक कारणों से। मुझे कोई ये बताए जो पाकिस्तान के भूतपूर्व गृह मंत्री हैं सलमान मलिक साहब, वो मलिक पहले आया या सलमान पहले आया? मैं इस बात का उत्तर चाहता हूं। अपने आप स्वयं में मिल जाएगा कि हिंदुस्तान जो वीर सावरकर ने जो परिभाषा की थी, सिंधु सिंधु पर्यंता, सिंधु सिंधु पर्यंता, सिंधु नदी से लेकर के और समुद्र तक रहने, समुद्र तक जितना भी क्षेत्र फैला हुआ है उसमें जितने भी रहने वाले लोग हैं वे सब हिंदू हैं। और ये हिंदुस्तान हमने नाम थोड़ी दिया है, हिंदुस्तान नाम किसने दिया? हिंदुस्तान नाम दिया मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, जो विदेशों से आए, जो दूसरे देशों से आए थे। हिंदुओं का आस्थान, आस्थान होता है घर, चौखट। हिंदुओं का आस्थान उर्दू में हिंदुस्तान, वो उससे निकला है हिंदुस्तान। ये भारतवर्ष जिसको हिंदुस्तान भी कहा गया, उसके अंदर रहने वाले सब लोग अपनी संस्कृति बदल दें, ये कैसे संभव है? क्या इंडोनेशिया में संस्कृति बदली गई? उन्होंने धर्म परिवर्तन अवश्य किया लेकिन उनकी संस्कृति वही है। बिल्कुल। वियतनाम के लोग कम्युनिस्ट शासन में रहे लेकिन 90% वहां बौद्ध धर्म, कल वियतनाम के राष्ट्रपति आने वाले हैं, सॉरी प्रधानमंत्री, 90% लोग वहां बौद्ध धर्म को ही मानते हैं, वही उनकी संस्कृति है। भारतवर्ष के अंदर धर्म बदलने से, पूजा पद्धति बदलने से यदि संस्कृति बदलती है, यदि राष्ट्र बदलता है, राष्ट्रबोध बदलता है, तो यह बड़ी चिंता की बात होती है। और हम इसका परिणाम देख चुके हैं 1947 में, हमारी ही लाशों पर, हमारे ही खून पर, हमारे ही 10 लाख लोगों का कत्ल करके एक अलग मुल्क बना दिया गया, एक अलग मुल्क का वजूद खड़ा कर दिया गया। और आज वैसे ही लोग इस मुल्क के अभी भी ये कहता है कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो जाते जाते यहां से कुतुब मीनार लेके जाएंगे, लाल किला लेके जाएंगे, ताजमहल लेके जाएंगे। उसका वो वीडियो भी मैं जरा दिखाने के लिए कहूंगा कंट्रोल रूम में कि ये क्या क्या लेके जाने की बात करता है, और भारत भारत से विभाजन करने की बात दोबारा ये हो पाता। ये वो तो कुछ भी नहीं हो पाता। कंबोडिया जब
छठी सातवीं सदी में पहली बार हिंदुस्तान पर मुस्लिम आक्रमण हो रहा था, सुल्तानी आक्रमण हो रहा था, तो कंबोडिया में महाराजा यशोवर्धन वहां पर मंदिर बना रहा था। ये हमने कभी नहीं सोचा। बौद्ध धर्म कहां नहीं फैला, पूरे दक्षिण एशिया में। क्या हमने राष्ट्रीयता बदली? बिल्कुल हमने राष्ट्रीयता नहीं बदली। जो देश था वही रहा, जिस देश का जो सीमाएं थी वही रही। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, उनकी अपनी खुशी थी, लेकिन धर्म बदलने से राष्ट्र नहीं बदलता है। इस मूर्ख की मुझे क्षमा कीजिए ये शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है, हालांकि इनके बड़े भाई जो एमपी हैं ओवैसी साहब, उनसे मेरा बहुत मिलना जुलना रहता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये मूर्ख वही इसको शेल्टर देते हैं। वही इसको शेल्टर देते हैं। राजनीति यही, हैदराबाद में एमआईएम एक सीट जीत करके आती है, ओवैसी साहब के पहले फादर जीत के आते थे, अब उनके पुत्र जो हैं वर्तमान सांसद वो जीत करके आते हैं, उनका छोटा भाई है ये। तो मैं एक बात पूरी कर लूं, लेकिन इस प्रकार की राजनीति इस देश के अंदर नहीं हो सकती। मुसलमान भी इस बात को समझते हैं, मुसलमान भी मूर्ख नहीं है, मुसलमान जानते हैं कि इस देश में रहने पर ही उनका भला हो सकता है। पाकिस्तान के जो लोग गए वो मुजाहिद कहलाते हैं। मैं अवनिंद्र जी के पास चलूंगा, हम वैसे तो मुद्दे पर आएंगे, लेकिन ये जो मुद्दा इन्होंने छेड़ा उस पर बात करते हैं। जब तालिबान बना, पाकिस्तान कैसे बना और बाकी इस्लामिक राष्ट्र कैसे बने वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन तालिबान को एक इस्लाम का मॉडल के तौर पर, एक हम वहां पर आइकॉनिक मॉडल सेट करेंगे ये कह के वहां पर सारे शरीयत के और सारे कानून लगाने की बात की। आज भी उत्तर इराक से लेके बाकी कुछ देशों में ये प्रयास हो रहा है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी हो रहा है, लेकिन ये प्रयोग अगर वहां सक्सेस नहीं हुआ तो भारत में इस प्रयोग को बेचने वाले ओवैसी को दो कैंडिडेट कैसे विजय हो सकते हैं? देखिए अवनिंद्र जी, जी दो सीटें मिलने की बात आप कर रहे हैं, उसके स्टेट में सात सीट है, एक एमपी है। आप पहले ये देखिए, उस सीट के, उस विधानसभा क्षेत्र का आप, अगर मेरे पास डाटा होता तो मैं आपको कह सकता था कि लोगों ने वहां पर वोट जाति के आधार पर दिए या मजहब के आधार पर दिए या उस व्यक्ति विशेष के कहने के आधार पर दिए। मेरे पास आंकड़े नहीं है। नहीं, धर्म विशेष के आधार पर ही हुए हैं। अगर एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में सीट जीती है, दूसरे मुंबई में जीती है, ये दोनों सीटों के आंकड़े ये कहते हैं कि हिंदू कैंडिडेट दो थे, भाजपा शिवसेना के और कांग्रेस का वहां पर कोई प्रबल का कैंडिडेट नहीं था, एनसीपी का नहीं था, उस केस में अकेला मुस्लिम कैंडिडेट एमआईएम का था और वो जीत गया। देखिए ऐसा है कि देश के किसी भी कोने में अगर धर्म के नाम पर वोट पड़ता है, जाति के नाम पे वोट पड़ता है, क्षेत्रवाद के नाम पे वोट पड़ता है, तो ये बड़ा दुखद है। आपने देखा होगा इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जो राज ठाकरे साहब ताल ठोक ठोक करके उत्तर भारतीयों को रोड से पीट पीट करके भगा रहे थे, उनकी पार्टी को वहां के लोगों ने एक सीट पे सिमटा के रख दिया। ये उसे रिएक्शन का परिणाम है। बिल्कुल। तो आज लेकिन जैसे राज ठाकरे सिमट गया, ये भी सिमटना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं। हाँ। आज इनको अगर ये दो सीटें मिल गई, आप मान करके चलिए कि गलत फहमी में मिल गई, लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास पूर्वक, पूरे जवाबदेही पूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की राजनीति को हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल नकार चुकी है और आने वाले समय में आप देख लेंगे कि इस तरह के लोगों का जमानत जब्त होगा। अभी जीत गए गलती से तो जीत गए। क्या कहा जाए, उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इस तरह से बात, ये जो बोलने को साहस इनको दिया किसने? 60 साल तक जितने सरकार आए, इन सारे सरकार, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। 60 साल से जितने सरकार आए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आप जो है उनकी गरीब बच्चे के लिए आप अलग प्रोग्राम बनाएंगे। एक हमारा देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि इस देश की नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर इस देश की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का पहला अधिकार है। ये गलत बात है। एंड कोई भी बात होता है तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर होता है। सरकार की, केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम बनता है तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर बनता है। आज अगर एक हिंदू संत को मार मार के रास्ते में पुलिस अगर पीट पीट के, शंकराचार्य के साथ जो घटना हुई है साउथ में, अगर ऐसा कोई इमाम के साथ हो, क्या ये इस देश में हो सकता है?
बुखारी के ऊपर कितने नॉन अवेलेबल वारंट है, सरकार इसके लिए प्रोत्साहन नहीं दिया है बिल्कुल। क्या 60 साल में मुसलमान के लिए नाम नहीं लेना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये कहीं ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हुआ है कि सरकार ने उनको प्रोत्साहन दिया। आज आज हैदराबाद को ये पहली बार हुआ क्या? और इस तरह से तत्वों को दमन करने के लिए हमारे पास अनेक एग्जाम्पल है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने उस समय में दिखाया था और अभी भी नया प्रधानमंत्री बने हैं, हो सकता है इस तरह से चीजों को कैसे दबाया जाएगा वो उसका आगे रास्ता जरूर करेंगे। इसीलिए हमने आपके सामने मुद्दा, ये राष्ट्र में इस तरह से तत्व कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। पहले भी था, पहले भी नहीं बढ़ पाया था, अभी भी नहीं बढ़ पाएगा। नहीं दीपक जी, बड़ा ऐसा मत कहिए, बढ़ा और उसने अलग देश लिया, ये भी दूसरा जीना बन रहा है, ये मत समझे। ये जब तेलंगाना की स्टेट बना तब इन लोगों ने कह दिया कि भाई यहाँ के लोगों ने वो मतदान करके पूछ दिया जाए, जम्मू कश्मीर का लोगों ने तय कर ले, ये उन्होंने तय किया था। महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ उसके बाद जाके वहां पाकिस्तान की झंडा उतर, ये सब करने से ये कुछ नहीं होगा। इस देश में असीम शक्ति है, इस देश के पास देश बहुत पावरफुल है, हमारा जो सोसाइटी बहुत पुरानी। क्या मीडिया छोटे छोटे दीपक जी जो आप बोल रहे हैं ऐसा मानकर मीडिया नहीं लिख रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, मीडिया नहीं लिखने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से मीडिया वाज कंट्रोल बाय सर्टेन पावर्स, वो हो सकता है उसकी ओनर्स कौन थे, क्या थे, कौन लोग उसको चलाते थे, कौन लोग उसको चलाते थे। नाउ व्हाई वाज नाउ, अभी भी क्यों नहीं दिखा रहा है? नहीं देखिए, मैं थोड़ा बहुत सम्मान पूर्वक इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं अपने पत्रकार मित्र रथ साहब के इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई ऐसी तीसरी शक्ति आ गई और उसने पूरे मीडिया जगत को कंट्रोल कर लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहा, ऐसा संभव नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा जो अन्याय 60 साल से हुआ है और जो सरकार ने इस तरह से समाज को विभाजन करने वाला शक्ति को बढ़ाया है उसको रोकने का हो सकता है वो सरकार पहल करे, मैंने वो बताया। दूसरा, और मीडिया क्यों नहीं उठा रहा है? इसमें ऐसा नहीं है कि मीडिया नहीं उठाया है, आज अगर मीडिया नहीं उठाता तो आज हमको कैसे पता चला? ये स्टेटमेंट आप आज कैसे देख रहे हैं? जितना सुदर्शन कर रहा है इतना ये जो स्टेटमेंट है ये भारत के किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया है, इसको लेके बहस की होगी। चौहान जी का मूल प्रश्न यह है मीडिया वालों से कि इस तरह की जो समाज में कुत्सित घटनाएं हो रही हैं उसको एकमात्र सुदर्शन चैनल या आवाज उठा रहा है, बाकी मीडिया के लोग चुप क्यों है? इसमें जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इन्होंने उठाया, अभी हमारे सहयोगी ने वो उठाया कि क्यों सरकार की तरफ से इस देश के नागरिकों में भेदभाव किया जाता है। ये चलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, ये नहीं, ये सबसे, वो बाद में जाएंगे, हमको पूरा टारगेट हमारा ओएसी पे जाना है। और राकेश जी आपने जो बात थोड़ी देर पहले कही थी, कंट्रोल रूम आपको वीडियो दिखाना चाहता है कि ये पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है लेकिन जिना की तरह खाली हाथ नहीं जाना चाहता, जैसे जिना ने कहा कि हमारा यहाँ पर अधिकार है और हम उसको लेकर जाना चाहते हैं, ये भी वही बात बोल रहा है, जरा देखिए। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, हजार मरतबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले, हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे, बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फूटी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफनाते हैं क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है, तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते। अब मैं कहूंगा मीडिया पैनल को कि अब आप बताइए, इसमें तो वो जलने वाले और हवा में फिजाओं में होने वाले हम सब हैं। सुरेश जी मैं एक मिनट निकाल लूंगा। देखिए टाइम आ गया है कि हमारा ये देश के लिए हमारा ये बनता है कि हम जागरूक बने, समाज में ये जागरूक बने, सबको बताए, ये ऑटोमेटिकली ये चीजें ठीक हो जाएगा, ये नहीं कुछ कर सकता है ऐसा विभाजन, ये कर सकता है? आपके इस बात से मंजूर मैं सहमत नहीं हूं कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत कुछ कर रहा है। इस देश के युवाओं में, मुस्लिम युवाओं के मनों में ये जहर फैला रहा है, इसकी वीडियो क्लिप आज दुकानों में बिकती है,
इस देश के किस नरेंद्र मोदी की भी कोई परचेस करने नहीं जाता है, इसकी वीडियो क्लिप दुकानों में मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इस तरह से तत्वों के साथ लड़ने के लिए क्या हम नंगा नाच करना चाहिए? देखिए, या इसको जिस लेवल में फाइट करना चाहिए वैसे फाइट करना चाहिए। देखिए, जो भाषा ये समझता है उस भाषा में इसको समझाना चाहिए, बस। ये आपकी बात जो है महत्वपूर्ण बात है। जो 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 भाषा समझता है उस भाषा, वो भाषा समझाई जानी चाहिए। और ये मूर्ख, ये मूर्खों वाली बात है कि ताजमहल, अरे भाई ये मूर्ख नहीं है, ये शातिर है। नहीं, ये मूर्ख नहीं है, ये मूर्खता की बातें नहीं कर रहा है। ये इस देश के अंदर, हाँ? आप देखिए ना, राजनीति देखिए इस देश की। इस देश में आज मुसलमानों की जो राहबरी के लिए, मुसलमानों का नेतृत्व देने के लिए ये जानबूझ करके ये राग छेड़ा जा रहा है। ये बात समझने वाली है, राजनीति में मुसलमानों को नेतृत्व देने के लिए ये राग जानबूझ करके, कट्टरपंथी राग छेड़ा जा रहा है। लेकिन गालिब का एक शेर है, ये ऐसे होना संभव नहीं है कि मस्जिद के जेरे साया खराबात चाहिए। खराबात बोलते हैं शराब खाना। मस्जिद के जेरे साया खराबात चाहिए, भौं पास आंख किबलाए हजात चाहिए। किबला हजात एक इस्लाम में एक ऐसे फरिश्ता है जो जो मांगो मिल जाता है। तो ये वही बात कर रहा है कि मस्जिद के जेरे साया खराबात चाहिए, भौं पास आंख किबला हजात चाहिए, और आशिक हुए हैं आप भी एक और शख्स पर, आखिर सितम की कुस्त मुकाफात चाहिए। जो जो जिन्ना कर गया है, दो जख्म में डाल पड़े हुए हैं 14 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान जिसका नाम है वो वाकई में कब्रिस्तान बना हुआ है, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान? लेकिन सवाल ये है कि इस जो मैं दीपक जी से सहमत जिस बात पे नहीं हूं, ये जब कहता है कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे और जाते समय ये सारी चीजें लेके जाएंगे, तो वहां पर जो लाखों की भीड़ है वो भीड़ इसका समर्थन कर रही है। मनोज जी, इसका मतलब आप ये मानते नहीं कि वो लोग साथ जाने को तैयार है? वो जहालत, मनोज जी, जहालत। हालांकि उसने ये तर्जुमा उसमें जोड़ा है कि हम तो जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो देखिए ये सब एक तरह से काउंटर और एंटी काउंटर, जो एक जो कॉमनल पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स का ये एक तरह से एक्सट्रीम प्रदर्शन हो रहा है। और देखिए, अगर इसका अगर फौरी और त्वरित इलाज अगर चाहते हैं तो आज तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, उसे सीधे शिक्षों में आप उसे कैद करिए और बताइए कि देखिए ये लोग कॉमनल पॉलिटिक्स कर रहे थे। जैसे नरेंद्र मोदी को सब लोगों ने कहा कि ये हिंदू हृदय सम्राट हैं और ये हिंदू पोस्टर बॉय हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी तगड़ी हिम्मत दिखाई कि जब सोनिया गांधी ने चुनाव के दौरान जब जो है ये शाही इमाम के पास जाकर के उनसे वोट लेने के लिए और मुस्लिमों का समर्थन मांगने के लिए गई, तो नरेंद्र मोदी ने सरेआम कहा कि ये तो मुस्लिम कॉमनल पॉलिटिक्स है। तो आज जिस कॉमनलिज्म का सहारा लेकर के, जिस जमात को अट्रैक्ट करने को के लिए ये जो ओवैसी बंधु जिस तरीके की तकरीरें कर रहे हैं, जिन पर बहुत पहले इल्जाम लग चुके थे, आज सीधे सीधे रास्ता फौरी तरीके से यह है कि इन्हें जेल में दिया जाए और सालों के लिए इन्हें बेल नहीं दिया जाए जिस तरीके से पटेल ने 1957 में किया था। दूसरी बात यह, एक सेकंड, दूसरी बात यह, अब इसके जो फंडामेंटल्स हैं इस पूरी कॉमनल पॉलिटिक्स की, उसके अगर जड़ों में जाया जाए तो बड़े कपूर साहब ने बड़ा दुरुस्त फरमाया, इस देश का पहले कॉमनल आधार पर विभाजन, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि संस्कृति तो एक है, देश का मजहबी विभाजन हो गया, कन्वर्टेड रिलीजन एंड सेपरेटेड नेशन, ये हमारी भारत की रियलिटी रही है। और इस देश के विभाजन का जो कट्टर से कट्टर जो कथित हिंदू हैं वह भी विरोध करते हैं। कुछ लोग मूर्ख कट्टर हिंदू ये कहते हैं कि अच्छा हो गया उन्होंने अपना देश ले लिया, यहां भी जो बचे हैं वो भी चले जाते, बहुत गलत बात। देखिए, धर्मनिरपेक्षता बहुत ही बढ़िया नीति है और धर्मनिरपेक्षता के ही जरिए इन कॉमनल मुस्लिमों को आप एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन आप धर्मनिरपेक्षता की जो स्थिति हो गई है, सवाल जो व्याख्या हो गई है, ये तो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। हाँ, ये तो मुस्लिम कॉमनलिज्म है। आज देखे देखे जो मुस्लिम, देखिए एक सेकंड, क्या ये मुस्लिम फंडामेंटलिज्म किया, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म जो है वो आज पूरी दुनिया उससे तबाह है। आज ISIS क्या कर रहा है? बिल्कुल, आज जो है उनके बहुत बड़े बुद्धिजीवी टाइम मैगजीन के एडिटर जकारिया ने अपने लेख में लिखा कि दुनिया के 24 आतंकवादी देशों में 19 देश मुस्लिम बहुल हैं। दुनिया के
24 देशों में जो है धर्म की पाबंदियां लगी हुई है वो सब मुस्लिम है। दुनिया के 24 में से 21 देश हैं जहां धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगी है वो भी सब मुस्लिम देश हैं। तो अभी ये भारत के जो मुसलमान जो सेकुलर सेकुलर की बात करते हैं, मुंबई से आते हुए एक मुस्लिम भगिनी मेरे साथ एयरक्राफ्ट में थी, मैंने उन भगिनी को पूछा कि बहन जी आप बुरखा पहन के आई है, इस्लाम से है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं पत्रकार के नाते, एक हिंदुस्तानी भाई होने के नाते, कि क्या जो बात तालिबान में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, या आईएसआईएस जो कर रही है, क्या एक इस्लामिक महिला होने के नाते आप वैसा देश या वैसा कानून या वैसी स्थिति भारत में चाहेगी? तो उसका जवाब स्वाभाविकता आप समझ रहे होंगे, उसका जवाब था कतई नहीं चाहेंगे, हम उनसे कई गुना ज्यादा सुरक्षित और अच्छे यहां पर महसूस कर रहे हैं, और वहां पर जो हो रहा है अगर वो इस्लाम है तो इस्लाम हमें मंजूर नहीं है। वही तो आप पाकिस्तान में और तमाम मुस्लिम देशों में जो माइनॉरिटीज है उनका हाल देखिए, और भारत के जो माइनॉरिटीज है उनका हाल देखिए और कंपैरिजन करिए। घोषित तौर पे भारत में किसी माइनॉरिटीज के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, ना कानून इजाजत देता है, ना संविधान इजाजत देता है, और ना ही हमारा समाज इजाजत देता है, ना हमारा समाज कंप्लीट कर ले लीजिए, ना हमारा समाज इजाजत देता है। तो इस देश का मजहबी आधार पर विभाजन, और दूसरा भारत में जो सेकुलरिज्म को लेकर के जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है कि आप अपनी आलोचना करते हैं जहां आलोचना के केवल 2% तत्व हैं, और जहां पर मुस्लिम फंडामेंटलिज्म में 75% तत्व हैं उन पर आप खुलकर नहीं बोलते हैं। तो मानवतावाद सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन जब धर्म ही, धर्म का मतलब यह नहीं है कि नैतिक बातें, धर्म यहां पर दल बना हुआ है, चाहे वो धर्म के आधार पर दल बना हुआ है। तो 1500 साल पहले कोई अगर एक धर्म बनता है और आज वो एक पॉलिटिकल पार्टी और धर्म में कोई अंतर नहीं रह जाता है, कहीं ना कहीं आप उसको सुधारों की खिड़कियां वह नहीं खोलते हैं। उस समय जब यह धर्म बना तो एक सामाजिक क्रांति थी, लेकिन 1500 सालों में ऐसा आतंक का माहौल है कि आप कभी भी सुधारों की बात नहीं कर सकते हैं। अगर इक्के दुक्के कुछ लोग जो है अगर सुधारों की बात करते हैं तो उन्हें भी डर लगता है, तस्लीमा नसरीन है, चाहे वो फरीद जकारिया है, इस तरीके के जो लोग भोपाल में बकरी ईद के मौके पर कुछ मुस्लिम भगिनियों ने पर्यावरण की बात की और कत्ल खाने जो चल रहे या जिस प्रकार का मांस बकरी ईद पर होता है वो ना करे, इसके लिए उन्होंने बस मुख प्रदर्शन किया, वो भी पूरा हिजाब पहन के इस्लाम का, तो उन भगिनियों को मुसलमानों ने ही जाके मारा। अब क्या कहेंगे, कहां से सुधार? ये तो तर्क देना चाहिए यहाँ के मुस्लिम प्रोग्रेसिव एलिमेंट को, जो प्रोग्रेसिव की बात कहते हैं आज उन्हें जवाब देना चाहिए। देखिए सेकुलरिज्म अगर आप चलेगा तो सबसे बड़ा सवालिया निशान लगेगा मुस्लिम पॉलिटिक्स पर। बिल्कुल, चलिए हम आपसे बड़ा विजुअल भी दिखाते हैं कि इस पूरे, मैं दीपक जी एक वीडियो आपको दिखा लेता हूं कि मीडिया भले चुप हो लेकिन बड़े पैमाने पर सुदर्शन के इस कार्यक्रम को चलाने के बाद देश भर में कई जगह पर इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के धोलाना का ये विजुअल है, और भी कई जगह पर ऐसे हुए हैं, हम चर्चा के दौरान इसको दिखाते रहेंगे, साथ साथ में चर्चा करेंगे। बात दोबारा ट्रैक पर लाते हैं, अवनिंद्र जी के पास चलते हैं। अवनिंद्र जी, मीडिया चुप है लेकिन देश में इसकी प्रतिक्रिया उठना शुरू हो गया है। अवनिंद्र जी देखिए आपको ये समझना होगा, मैं तब से डिस्कस सुन रहा था आप लोगों का, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि एक बहुत ही, मैं समझता हूं कि ये जो मामला है ये एक व्यक्ति विशेष द्वारा किया गया एक बहुत ही नादानी बेवकूफी भरा, नहीं आप नादानी मत कहिए, नादानी शब्द ठीक नहीं है, तो है ये हाँ। ये भड़काऊ कह लीजिए, बेवकूफी कह लीजिए, शर्मनाक कह लीजिए, जो शब्द आपको उपयुक्त लगे आप लगा लें, इन शब्दों से वो बचता है। नहीं नहीं देखिए गड़बड़ शब्दों में होती है जी, नहीं बचाने रहे, हम क्यों बचाएंगे, आप तो राष्ट्रवादी पत्रकार है इसलिए इस शो में बैठे। मेरा कहने का मतलब है कि कई बार हमारे से शब्द गलत चुन लिया जाता है जिससे आदमी बचता है, ना ये नादान है, ना ये मूर्ख है, ना ये बचकाना है, ना इन्हें ऐसे ही किया है, इसने शातिरता के साथ जिना के फॉर्मूले को दोबारा रिपीट करने का फॉर्मूला चालू किया और उस फॉर्मूले पे लगातार 3 चुनावों में ये संपादन करा है। यह मैं कहना, देखिए ऐसा है, अगर कोई मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा था आप उसको सपना देखने से नहीं रोक सकते, लेकिन जिना को भी तो यही कहा जा रहा था। जी भारत का विभाजन विभाजन हो चुका है, 3 टुकड़े में बच चुका है भारत, और संप्रदाय के आधार पर बटा है। बहुत बढ़िया बात, मजहब के आधार पर बटा है। अभी आपको क्या लगता है, मित्र लगता नहीं है, हम तो ग्रेटर इंडिया की बात करते हैं, हम तो चाहते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को
ऐसे प्रोग्रेसिव ताकतें आए जो कि भारत का जो एक साउथ इंडिया का जो ये कल्चर है, एक सब कॉन्टिनेंट है, ये फिर से मर्ज जर्मनी की तरह कि जिसकी शुरुआत इन्होंने की राकेश कपूर जी ने कल्चर का हवाला देकर के। तो हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि भारत का यूनिफिकेशन हो और ग्रेटर भारत की रचना हो जो सेकुलर हो, जो एक्चुअल तरीके से सेकुलर हो, थ्योरेटिकल और देखिए सेक्युलरिज्म के धर्म निरपेक्षता के परिभाषा के पचड़े में पड़िएगा तो आज आजादी के 60 वर्षों के बाद भी ईमानदारी पूर्वक मैं आपको बता दूं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द की परिभाषा उसको आज तक ना तो कोई राजनेता परिभाषित कर पाया, ना कोई पत्रकार परिभाषित कर पाया, ना कोई समाज सेवी परिभाषित कर पाया। इसीलिए एकमात्र धर्मनिरपेक्षता शब्द को लेकर के आप बहुत देर तक बहुत दूर तक चिंतन मंथन और अवलोकन करते रहे और उसी में उलझ कर आप रह जाए, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं। आप, मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल सही। मुख्य बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं किसी भी कट्टरवाद का विरोधी हूं, मैं किसी भी अतिवाद का विरोधी हूं। अति सर्वत्र वर्जयेत, तो यही तो शास्त्रों में भी कहा गया अति सर्वत्र वर्जयेत, निरपेक्षता यही है, यही धर्म निरपेक्षता। आपकी नजर में धर्म निरपेक्षता ये है, मेरी नजर में नहीं है बंधुवर। चलिए हम कुछ और ये क्या कहता है शंकराचार्य के ऊपर, ये क्या कहता है नेता लोग शंकराचार्य के ऊपर करते हैं तो ये एक तरह से संप्रदायवाद है। अगर होली मिलन का पार्टी करते हैं इसीलिए, सुन लीजिए क्यों कहा, धर्म निरपेक्षता बड़ा एक साइंटिफिक शब्द है। उसका कहना है कि किसी भी से दोस्ती न काहू से बैर, हम राजकाज कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत तरीके से अपने घर में बुला करके आपका स्वागत करेंगे लेकिन पोस्चरिंग नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पोस्चरिंग। हम तुष्टीकरण जो आप जिसको कहते हैं, चाहे हिंदू तुष्टीकरण करें या आप मुस्लिम तुष्टीकरण करें या सिख तुष्टीकरण करें, धर्म के उपमानों के आधार पर किसी तरीके की राजनीति का विरोध धर्म निरपेक्षता है। ये बड़ा ही विवाद रहित कॉन्सेप्ट है और इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा ये भारत में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो हो रही है, क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी लिंग्विस्टिक है, मल्टी किजिन कंट्री है, तो यहां पर तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन से आप डिसअलाउ करना चाहिए। जब देश का ऑलरेडी विभाजन हो चुका है तो आपको ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं देने चाहिए कि लोग भाषा के आधार पर दल बना लें, प्रांत के आधार पर दल बना लें, जाति के आधार पर वोट रचना बनाए, समुदाय के आधार पर बनाए और कल्चर के आधार पर बनाए। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 100 छेद है, कई जगह तुष्टीकरण साफ झलकता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बैन करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदल डालिए और सबको ट्रू सेकुलरिज्म फॉलो करना होगा, सब धर्म देश संविधान बदल। देखिए बिल्कुल मैं अवनिंद्र जी आपसे एक कहूंगा या हम सब लोग शायद इस बात से सहमत होंगे कि देश बचाना है या कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है तो देश बचना चाहिए। अगर देश बचना चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा। देखिए सुरेश जी आपने 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 तो वैसे ही बात कर दी, माँ प्यारी की मातृभूमि प्यारी दोनों प्यारी नहीं, माँ और मातृभूमि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन में 115 या 114 जो अमेंडमेंट हो चुके हैं, आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उपबंध लाना होगा। अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर बैन होता तो सेकंड में इनकी पार्टी बैन हो गई रहती, कहीं ना कहीं हम उसको लेवरेज देते हैं और सारी पार्टियां इसका यूज करती हैं, सारी पार्टियां यूज करती हैं कास्ट के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर। तो कहीं ना कहीं देश का फिर से यूनिफिकेशन, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को रिपेल करना और कहीं ना कहीं इस देश में जो है एक प्रोग्रेसिव ट्रू सेकुलर और एक रिफॉर्मेटिव एजेंडा के साथ देश की राजनीति, समाज और पूरे सेटअप को चलाने की बात होनी चाहिए। मैं अभी मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, आपने सुना होगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा पत्रकार के नाते। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ वहां पर हम जाके देखे, कई जो रिफ्यूजी कैंप था वहां पर कई मुस्लिम्स इससे बुरी हालत में थे, इतने बुरी हालत में थे। और हम लोग वहां जाके पूछा, बात किया, पुलिस से भी बात किया कि भाई असलियत क्या है, आप मानेंगे नहीं। पुलिस अफसर से लेकर हर कोई कहा कि भाई साहब हमको पॉलिटिकल सरकार से फोन आया है, फलाना नेता का फोन आया है कि ये केस को बंद कर दीजिए, फलाना केस को बंद कर दीजिए। कोई असलियत में जाना नहीं चाहता है। दिल्ली की एक ऐसा इमाम आज भी घूम रहे हैं, आप देखिए, जिसके नाम पे नॉन अवेलेबल वारंट है, लेकिन जब भी डेट आता है कोर्ट में, वहां पर जाके पुलिस कहता है कि अगर हम उसको अरेस्ट करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कौन सा एक है,
हजारों तत्व ऐसे इस देश में, और मैं कह रहा हूं जड़ में जाइए ना, इस तरह से तत्व को कौन बढ़ावा दे रहा है? ये हमारा पॉलिटिकल पावर जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल इसको भ्रष्ट कर रहे हैं। जब तक आपके देश में दो तरह का कानून होगा ये सब चलता रहेगा, इसको मान के चले आप। अभी हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में ये ना केवल राजनीति की बात करता है, ना केवल धर्म के आधार पर वोट मांगता है, बल्कि अब हिंदुओं का शंकराचार्य बदला जा ये अपने राजनीतिक मंच से चुनाव के दौरान कहता है। देखिए, संविधान की सबसे बड़ी मंदिर जहां के प्रमुख शंकराचार्य होते हैं, उन आचार्यों को हटाओ। मतलब शंकराचार्य को हटाने की बात करने का अधिकार इसके धर्म का ये नेता भी अगर माना जाए तो भी इसको किसने दिया? और फिर भी अगर ये बात अगर कोई किसी और ने कही होती, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कही होती, तो मीडिया वाले दो चार दिनों तक उसको ब्रेकिंग न्यूज चलाकर और न जाने क्या क्या करके दिखाए होते, इस पर क्यों नहीं बोलते? शंकराचार्य को हटाना नहीं हटाना वो तो ना ये देश की कोर्ट तय कर सकता है, ना हमारा प्रधानमंत्री ये करना चाह रहा है ना, नहीं कर सकते हैं। देखिए, अभी ओडिशा में जब पुरी का रथ यात्रा चल रहा था, ओडिशा सरकार के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ओडिशा हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट में कहा था कि धार्मिक विषय में पुरी की शंकराचार्य जो बात कहेंगे दैट विल बी द फाइनल वर्डिक्ट। तो ये कौन होता है शंकराचार्य इतना बड़ा? चलिए, इसको तो क्या हटाने देंगे, इसकी उतने औकात भी नहीं, लेकिन इसके इरादे कहां तक है? देखिए, हम किसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं? ये स्मॉल फ्राई है। देखिए, अगर शंकराचार्य राजनीति में किसको वोट दो और किसको नहीं दो, या अपनी थोड़ी भी लेनियंसी अगर वो किसी पार्टी के खिलाफ लगाते दिखाते तो इनके आधार बनता इन पर आरोप का। लेकिन हमने तो कभी किसी शंकराचार्य को किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति तकरीर करते नहीं देखा है, लेकिन इसका जो धर्मगुरु है ये जो जामा मस्जिद का, वो तो सरेआम जो है वो देता है, उसने तो पार्टी देता है। क्या आप इस पार्टी को दो, उस पार्टी को दो, वो तो खुद कहीं ना कहीं दोनों में अंतर है, हमें इसके बताना होगा। देखिए, हमें कोई आग्रह नहीं है हिंदू एडीएम के प्रति, लेकिन देश और राजकाज की जब बात होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी बात कहना होगा, क्योंकि इस देश का मजहब के आधार पर विभाजन हुआ है। ऐसे ऐसे एलिमेंट की जगह केवल जेल होनी चाहिए और कोई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए देखिए चव्हाण जी, धर्म निरपेक्षता की बात मनोज जी कर रहे हैं। नहीं, हम धर्म निरपेक्षता मुद्दा छोड़ देते हैं। नहीं, मुद्दा नहीं छोड़ रहा, वो इससे बना हुआ है। हम इसलिए धर्म निरपेक्ष हैं आज भी, चूंकि हम हिंदू बहुल देश हैं, हमारी जो हिंदू संस्कृति है वह स्वयं में धर्म निरपेक्ष है। हम ये नहीं कहते हम जब पूजा हो जाती है तो उसके बाद हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण क्या कहलवाता है हमसे? ये कहता है धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम ये बात कहते हैं। इससे बड़ा मैनिफेस्टो किसी ना पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, ना किसी धर्म या संस्कृति का हो सकता है। बिल्कुल, तो हमारी जो जड़ें हैं, अभी जो बात हो रही थी, बात सिर्फ इतनी सी है कि इस मुल्क में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और जो ये आरोप लगातार इस बात का आरएसएस पर लगा दिया जाता है कि वो हिंदुओं की समर्थक संस्था है, वे शायद इस इतिहास को भूल जाते हैं कि जब स्वतंत्रता का आंदोलन महात्मा गांधी लड़ रहे थे तो उन्होंने 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, वो किस लिए हुआ था? वो हिंदुओं के एकीकरण के लिए हुआ था, हिंदुओं की एकता के लिए हुआ था। परोक्ष रूप से नहीं, बल्कि समानांतर रूप से हिंदुओं का एक संगठन इस देश को एकत्र रखने के लिए, हिंदुओं की एकात्म शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। वरना ये देश सिक्किस्तान बटा होता, जाटिस्तान बटा होता, गुजरिस्तान बटा होता, जाना कितने कितने स्थान होते। हम एक जिन्ना को नहीं संभाल पाए और हमने पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान किस वजह से बना, ये इतिहास की बात है। इतिहास मैं एक वीडियो फाइनली दिखाकर आप सबके चारों के कमेंट लेना चाहूंगा।
हमारे सबके आराध्य प्रभु राम हैं। जिस इंडोनेशिया का आपने नाम लिया, उस इंडोनेशिया की जो करेंसी है उस पे राम जी का फोटो है, चित्र है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन का हॉल है या संसद का हॉल है उसमें राम का चित्र है, वहाँ के एयरपोर्ट पर है। हम अगर उस देश में जाते हैं तो वहाँ की जो एयरलाइंस है उसका नाम गरुड़ है। तमाम सारे प्रतीकों को अपने वहाँ रामलीलाएं होती है, रामायण वहाँ के मुसलमानों के घर में होता है क्योंकि उसकी वो सांस्कृतिक विरासत है, ऐसा वो मानता है। ये नहीं मानता उसी राम के बारे में ये कितने गंदे शब्द कहता है। मैं वो शब्दों को दोहरा कर दिखाने के लिए नहीं बल्कि इसकी नीयत और ये कितना गिरा हुआ ये दिखाने के लिए आपको दिखाता हूं कि क्या बोलता है। अयोध्या में तीन मनादिर है जहां के लोग बोलते राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, वहां के लोग बोलते कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मायके को जाती है और मायके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई है, एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मायके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में और रामवा पैदा हुए। तीन पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में यहां यहां यहां। अरे अडवाणी वाजपेयी उमा भारती मोदी बता आखिर राम की मां कहां कहां गई, किधर जन्म दी? इतने अपशब्द। मैं पांच पांच सेकंड में आखिर में कमेंट चाहूंगा, चारों के पास आऊंगा। पहले राकेश जी, ये इट इज टू मच। ये सिर्फ मैं मतलब शब्दों का अभाव है, ये कहा जाए ये इट इज ए परवर्टेड मैन। ये क्या ये एक दुष्ट आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर गई है जो इसको इतना नहीं पता है कि अगर ये राजनीति करना चाहता है तो लोग इसको जहां खड़ा होगा वहां इसका क्या हाल कर सकते हैं। ये शायद इसको अभी इस बात का कयास नहीं है, अभी उसको नहीं, इस बात का कयास नहीं है कि अगर ये आदमी हिंदुस्तान की सड़कों पर निकल गया तो इसका क्या हाल से बेहाल हो जाएगा। बेहतर हो पत्रकारों का शब्द आप सुन रहे हैं कि आखिर पत्रकार हो कि इसको जेल की सीखों में बंद किया जाए। देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में एडवेंचरिज्म जो बयानों का है उसकी बहुत पुरानी विरासत है, लेकिन मुझे लगता है इन ओवैसी बंधुओं ने सारी हदों को पार कर दी है। ऐसे वक्त में जबकि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म पूरे दुनिया में सवालों के घेरे में है और उन प्रतिमानों को उठाना ठीक है, मैं मिथक मानता हूं हिंदू के तमाम चीजों को, लेकिन आपने उठा करके उकसाने का पूरा माहौल तैयार किया है और ये हर हाल में धर्मनिरपेक्ष राजनीति और एकता ठीक बात है, एकता और अखंडता को लेकर के सीधे चुनौती देने वाला बयान है। हम उनमें नहीं जाएंगे कि कौन सच थे कौन क्या थे, लेकिन धर्म के तत्व को ला करके इसने पूरे देश में आग लगाने की साजिश की है। अब इसका दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है सिवाय जेल के। मैं एक ही वाक्य में कहूंगा, हमारा हिंदुस्तान में राम से बड़ा राम नाम है। जो धरती पे कितना भी बड़ा पाप करता है वो राम नाम लेके उसको मुक्ति प्राप्त हो जाता है और उस व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के बारे में सारे अमर्यादित भाषा का उपयोग हो रहा है। अवरेंद्र जी, अवरेंद्र जी, उसके लिए एक लाइन में कमेंट। मेरे मित्र ने कहा कोई भाषा नहीं है उसके लिए। सुरेश जी ने कहा एक लाइन में कमेंट, इस पर क्या कमेंट करूं? हे ईश्वर उन्हें माफ कर देना, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं बस। चलिए आप तो ईश्वर से माफी मांग रहे हैं, मैं नहीं मांग सकता। मैं ऐसे व्यक्ति को सजा देने की ही मांग करूंगा और ईश्वर को इसके लिए मुझे शक्ति मांगूंगा। सरकार अपना काम करे ना, वो अगर करती तो आपको मुझे मिलकर ये कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम में जितनी ताकत है उतनी हम लगाएंगे और पत्रकारिता के संवैधानिक तरीके से उसको किसी भी स्थिति में उसको उसकी सजा औकात और सब कुछ दिखाएंगे। बिंदास बोल और लगातार बाकी सारे कार्यक्रमों में हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए हैं। इसको जेल जाने तक या इसके पार्टी पर कार्रवाई होने तक हम लगातार रोज
इसके विषय में कुछ ना कुछ सामने लेकर आएंगे, समाज के अन्य अन्य हिस्सों को लेकर आएंगे। आज पत्रकार हमारे साथ थे, कल वकील रहेंगे, परसों कवि रहेंगे, उसके बाद इस देश के पूर्व सैनिकों को हम आपके सामने लाएंगे, साधु संतों को लाएंगे, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को लाएंगे, लेकिन तब तक जारी रखेंगे जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आज के लिए इतना ही, सारे अतिथियों का मैं आभारी हूं, आपने समय निकाला और यहां पर आए। इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है सुदर्शन न्यूज नाम से, और हमारा फेसबुक और सोशल मीडिया की सारी आइडेंटिटी है सुदर्शन न्यूज। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।